हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिंचु जियांग को बोलती है उसे उसकी वाइफ से मिलवाने के लिए। तभी एक कार रिंचु की तरफ आ रही होती है। जियांग रिंचु को सेव कर लेता है। रिंचु भी गुआव के साथ उसी तरफ आ रही होती है और उन्हें ऐसे देख लेती है। जियांग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिंचु बताती है, बस गुआव से मिलने आई थी। जियांग रिंचु को बताता है, ये मेरी वाइफ है। दोनों एक दूसरे को देखकर शौक हो जाते हैं। रिंचु युनसु को बोलती है, मैं ही जियांग की क्लासमेट हूँ। जियांग कार निकालने वहाँ से चला जाता है। युनसु रिंचु से पूछती है, क्या वो क्लासमेट जियांग ही है जिसे तुम पसंद करती हो? रिंचु बताती है, मुझे नहीं पता था कि तुम ही इसकी वाइफ हो। नेक्स्ट सीन में दोनों घर आ जाते हैं। जियांग युनसु के फेस को देखकर समझ जाता है। युनसु उसकी और रिंचु के बारे में सोच रही है। जियांग उसे सब कुछ क्लियर करने लगता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। युनसु फिर भी अपसेट होकर रूम में आ जाती है और रात भर इसी बारे में सोचती है। नेक्स्ट डे युनसु गुआव को आकर बोलती है, लगता है मैं जियांग को गलत समझ रही हूँ, वो दोनों सिर्फ दोस्त है। गुआव बोलती है, अगर तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है तो तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। युनसु जियांग को मैसेज कर आज रात घर जल्दी बुलाती है। जियांग मैसेज रीड कर रहा होता है। रिंचु उसे देख लेती है। रिंचु जियांग को बोलती है, आज मैंने मिंग के साथ डिनर रखा है तो तुम भी युनसु को वहाँ लेकर आ जाओ। जियांग युनसु को मैसेज कर ये बता देता है। गुआ वो मैसेज पढ़कर बोलती है, रिंचु तुम्हारे हस्बैंड को छीनने का प्लान बना रही है, तुम्हें वहाँ जाने के लिए हाँ कर देना चाहिए। युनसु ओके का रिप्लाई कर देती है। इसके बाद गुआ और रिंचु को उस जगह ड्रेस सिलवाने लेकर आती है जिस स्टोर से रिंचु भी खरीदती है, ताकि युनसु उसे टक्कर दे सके। युनसु तैयार होकर लोकेशन पर पहुँचती है। जियांग को युनसु बहुत ही प्यारी लगती है। दोनों रेस्टो में आते हैं। रिंचु ने भी सेम ड्रेस पहनी होती है जो युनसु ने पहनी होती है। युनसु ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। युनसु जियांग के लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर करती है। रिंचु बोलती है, जियांग स्पाइसी फूड नहीं खाता। युनसु बोलती है, जियांग ने कभी मुझे नहीं बताया, मैं जब भी बनाती हूँ वो खा लेता है। जियांग रिंचु को बोलता, मैं पहले नहीं खाता था लेकिन अब खा लेता हूँ। रिंचु ये सुनकर अपसेट हो जाती है। पूरे डिनर टाइम में जियांग युनसु को ही कंपनी दे रहा होता है। रिंचु को ये अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे रिंचु युनसु को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है, तुम दोनों काफी अलग हो और मुझे पता है तुम दोनों ने शादी ग्रैंडपा के लिए की थी, लेकिन जियांग की लाइफ की गोल्स तुमसे बिल्कुल अलग है। अभी तुम दोनों को साथ में अच्छा लग रहा होगा पर जिंदगी नहीं बिता पाओगे, मैं और जियांग एक जैसे हैं। युनसु बोलते, अगर दोनों लोग सेम होंगे तो लाइफ में मजा नहीं आएगा, और अब मैं मैरिड हूँ, आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। युनसु कॉन्फिडेंटली उससे हाथ मिलाती है, आई होप आप मेरी बात को समझी होगी। इसके बाद दोनों किचन में काम कर रहे होते हैं। युनसु पूछती है, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? जियांग बताता है, 35 की एज तक फील्ड गोल्ड अचीव करना। युनसु पूछती है, और तुम्हारी प्रेफरेंस? जियांग बताता है, तुम। दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी जियांग को प्रोफेसर शीन का कॉल आता है। शीन पूछती है, आप प्रोजेक्ट के लिए हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? जियांग युनसु को वहाँ देखकर कॉल कट कर देता है। युनसु पूछती है, तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे ना? जियांग बताता है, ऐसी बात नहीं। युनसु जियांग का सूटकेस पैक करने लग जाती है। जियांग वहाँ आकर पूछता है, ये क्या कर रही हो? युनसु बोलती है, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे बुरा लगेगा कि तुम वहाँ रिंचु के साथ काम करोगे, इसलिए तुमने जाना कैंसिल किया, पर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तुम्हारी बेटर हाफ हूँ। जियांग जाने के लिए मान जाता है। दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी डोर बेल रिंग होती है। ये गुआव होती है। गुआव रो रही होती है क्योंकि उसका लिन से झगड़ा हो गया होता है। जियांग इशारा कर युनसु को बोलता है, अपनी फ्रेंड को यहाँ से भेजो। गुआव जियांग को उसके लिए पानी लाने को कहती है। जियांग लाता है। गुआव पूछती है, क्या आज रात में यही सो जाओ? जियांग ऐसा चाहता तो नहीं? जियांग को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है और गुस्से से रूम में चला जाता है। युनसु गुआव के साथ सो रही होती है। जियांग उसे मैसेज कर अपने रूम में बुलाता है। युनसु रिप्लाई करती है, जैसे ही सो जाएगी मैं आ जाऊंगी। युनसु गुआव के सोने का वेट करती है और जैसे ही सो जाती है जाने की कोशिश करती है। तभी गुआव उठ जाती है। युनसु जा ही नहीं पाती। युनसु और जियांग युनसु का इंतजार करते हुए थक जाता है तो उसे मैसेज करता है, पर युनसु कोई रिप्लाई नहीं करती क्योंकि सो गई होती है। जियांग भी इंतजार करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे जियांग प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चला जाता है। पीछे से ग्रैंडपा की हालत खराब हो जाती है। युनसु उनसे मिलने हॉस्पिटल आती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, घबराने वाली बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। और जियांग कहाँ है? युनसु बताती है, वो काम के पर्पस से रिंचु के साथ गया है। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम्हें उन दोनों के बारे में पता है?
क्यों सो बताती हाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडपा बोलते हैं, ज़ियांग और लिंचू दो पैरेलल लाइंस है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। क्यूनसु ग्रैंडपा से मिलने के बाद बाहर आती है जहाँ उसे लिन मिल जाता है। क्यूनसु पूछती है, क्या तुम्हारा गुआव के साथ झगड़ा खत्म हो गया? लिन बोलता, जरूर वो रोते हुए तुम्हारे पास आई होगी मेरी शिकायत करने। क्यूनसु बोलती है, मुझे कहीं जाना है तो मुझे ले चलो। नेक्स्ट सीन में क्यूनसु दोनों के साथ कार में जा रही होती है। गुआव पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे इस लिन के साथ नहीं जाना। लिन और गुआव का आपस में फिर से आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्यूनसु दोनों को चुप कराती है और तीनों उस होटल पहुंचते हैं जहां ज़ियांग रुका होता है। रिसेप्शनिस्ट होटल रूम बताने से मना कर देती है, ऊपर से ज़ियांग भी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। गुआव को आइडिया आता है तो इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती है, मैं ज़ियांग की वाइफ हूँ, वो यहाँ एक लड़की को लेकर आया है, प्लीज मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो, मेरे दो बच्चे भी हैं, मैं उन्हें कैसे पालूंगी। ये सारा ड्रामा देख कर मैनेजर उसे रूम का नंबर बता देता है। तीनों वहाँ पहुँचते हैं, गुआव को उसके रूम में लिंचू देखती है। तीनों चुप कर उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। लिंचू ज़ियांग से पूछती है, तुम क्यूनसु को पसंद क्यों करते हो जब तुम दोनों इतने अलग हो? ज़ियांग रिप्लाई करता है, तुम और मैं एक जैसे हैं, यानी पैरेलल लाइन कभी मिल नहीं सकती। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट मैच मिलेगा, मेरा परफेक्ट मैच क्यूनसु है। क्यूनसु ये सुनकर खुश हो जाती है। लिंचू से पूछती है, क्या लास्ट टाइम मैं तुम्हें हग कर सकती हूँ? लेकिन ज़ियांग हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। क्यूनसु उन दोनों को देखने के चक्कर में घिर जाती है। ज़ियांग आवाज सुनकर बाहर आता है और तीनों को पकड़ लेता है। क्यूनसु ज़ियांग को देखकर डर जाती है और उल्टी सीधी एक्सप्लेनेशन देने लगती है। ज़ियांग उसे किस करके चुप करा देता है। लिंचू ये देखकर वहाँ से चली जाती है। ज़ियांग क्यूनसु से पूछता, बताओ क्या कहने आई थी? क्यूनसु बताती है, ग्रैंडपा हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद दोनों ग्रैंडपा को देखने हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर से उन्हें पता चलता है ग्रैंडपा की हालत काफी खराब है, उनके पास 2 महीने ही बचे हैं। दोनों ये सुनकर ग्रैंडपा के लिए काफी दुखी हो जाते हैं। लिंचू भी ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल आती है और ज़ियांग को बोलती है, मैंने एक डॉक्टर से कंसर्न किया है, अगर तुम इन्हें इलाज के लिए ओवरसीज लेकर जाओगे तो इनके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्यूनसु को उसकी बॉस बताती है, एक बड़ी पब्लिशर का तुम्हारे लिए इन्विटेशन आया है, वो तुम्हारे काम से इम्प्रेस होकर तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाना चाहती है, जिसके लिए तुम्हें अब्रॉड जाना होगा। इसके बाद क्यूनसु इस सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। ज़ियांग उसे परेशान देखकर उसकी वजह पूछता है। क्यूनसु बताती है, मैं ग्रैंडपा के लिए परेशान हूँ, मुझे लगता है हमें उन्हें इलाज के लिए ओवरसीज लेकर जाना चाहिए। ज़ियांग बोलता है, हम यहीं रहकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे और कल तुम्हारा कॉलेज का लास्ट प्रेजेंटेशन है, इस बार लेट मत हो जाना। नेक्स्ट डे ज़ियांग क्यूनसु का कॉलेज में वेट करता है। क्यूनसु फिर से लास्ट मिनट में वहाँ पहुँचती है। ज़ियांग फटाफट से उसे भगाकर प्रेजेंटेशन रूम में लेकर जाता है। फाइनली इस बार क्यूनसु प्रेजेंटेशन दे देती है और पास भी हो जाती है। ज़ियांग क्यूनसु को कंग्रेचुलेट करता है और बताता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है, क्या आप तुम फिर से रियल में मेरी वाइफ बनना चाहती हो? क्यूनसु हाँ बोलती है और पूछती है, क्या मैं 1 साल के लिए अब्रॉड जा सकती हूँ अपने सपने को पूरा करने और तुम ग्रैंडपा को लेकर इलाज के लिए ओवरसीज चले जाना? ज़ियांग तुरंत हाँ बोल देता है। क्यूनसु शॉक हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ में फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे ज़ियांग ग्रैंडपा को बताता है, क्यूनसु काम सीखने के लिए अब्रॉड जा रही है, उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। ग्रैंडपा खुश होते हैं उसके लिए। ज़ियांग बताता है, क्यूनसु चाहती है मैं आपको इलाज के लिए ओवरसीज लेकर जाऊं। ग्रैंडपा मना कर देते हैं, मैं पूरा हो चुका हूं, इलाज करवा भी लूंगा तो 1-2 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ तुम सब लोगों के साथ रहकर खुश रहना चाहता हूँ। ज़ियांग बोलता है, पर क्यूनसु को पता चला आप नहीं जा रहे हो तो वो भी नहीं जाएगी। ग्रैंडपा बोलते हैं, उसे मत बताना। ज़ियांग बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। तभी क्यूनसु वहाँ जाती है, ज़ियांग उसे बताने वाला होता है। ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं तो ज़ियांग उसे नहीं बता पाता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, ज़ियांग क्यूनसु को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आता है और उसे गुड बाय कर घर चला जाता है। क्यूनसु को अपने बैग में ज़ियांग के नोट्स मिलते हैं, जिसमें मेंशन होता है उसे अब्रॉड जाकर सबसे पहले क्या करना है। क्यूनसु वो सारे नोट पढ़कर फ्लाइट छोड़कर सीधा ज़ियांग के पास जाने के लिए निकल जाती है। ज़ियांग मूवी हॉल में बैठकर रो रहा होता है। क्यूनसु वहाँ आती है, ज़ियांग शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? क्यूनसु बताती है, तुमने एक दिन कहा था जब तुम अपसेट होते हो तो कॉमेडी मूवी देखने आते हो। ज़ियांग उसे समझाता है, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यूनसु बताती है, तुम और ग्रैंडपा मेरी फैमिली हो और मैं यहाँ रहकर अपना सपना पूरा करूंगी अपने प्यार के साथ।
ज़ियांग खुश हो जाता है। दूसरी ओर लू भी लैंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लैंग हाँ बोल देती है। ज़ियांग और युनसु ग्रैंडपा को घर ले आते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं, मुझे पहले से ही पता था तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। दोनों इस बात को मान लेते हैं। युनसु बताती है, स्टार्टिंग में मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इसके प्यार में पड़ जाऊंगी। जैसे जैसे मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया तो ये मुझे अच्छा लगा। ज़ियांग बोलता है, इसने तो मुझे पूरा ही बदल कर रख दिया है, पर मैं खुश हूँ। इसके बाद पूरी फैमिली साथ में डिनर करते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।